मित्रों जय श्री राम। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उपलक्ष में 22 जनवरी को सृजन आर्ट गैलरी में एक 3 दिवसीय चित्र कार्यशाला का आयोजन किया गया था। वह 22 जनवरी शाम को शाम 6 बजे इस प्रदर्शनी का उद्घाटन होना है, तो जिसमें लगभग 5 वर्ष से लेके 70 साल के उम्र के कलाकारों ने भाग लिया। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें व जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और हम बहुत सारे उस कार्यशाला में भाग लिए हुए कलाकारों से हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम हितेश जी से पूछते हैं, उनको ये आइडिया कैसे आया। अभी हम हैं सृजन आर्ट गैलरी में जहां 3 दिन से ये श्री राम जी के ऊपर कार्यशाला चल रही है। तो हमारे साथ हैं हितेश राणा जी। हितेश जी आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि इस जो कार्यशाला व प्रदर्शनी का आइडिया आपको कैसे आया और इस चीज का अनुभव कैसा रहा 3 दिन का सभी का। एक्चुअली लास्ट 10 दिन पहले हमारे एक बहुत करीबी दोस्त और पत्रकार घर पे आए थे और वो जस्ट रिसेंटली जाके आए थे अयोध्या। गवर्नमेंट ने उनको इनवाइट किया था और आके उन्होंने जो प्रेस किया और उन्होंने जो बताया, तो फिर मन में थोड़े विचार आए कि बेटर कि ऐसा अयोध्या के ऊपर और राम जी के ऊपर कुछ कर सकते हैं। और सडनली हमने जस्ट शाम को आए थे और हमने जैसे पता चला तो हमने इमीडिएटली फाइनल किया कि चलो हम अयोध्या के ऊपर काम करेंगे। और शुरुआत में ऐसे सोचा था कि चलो आर्टिस्ट को लेके काम करें, फिर 2-3 दिन के बाद सोचा कि क्यों नहीं हम सर्जक के स्टूडेंट्स और हॉबी सेंटर के स्टूडेंट्स सभी को मिल के काम करें, तो और एक पूरा बिटवीन 5 to 80 years का एक पूरा रेंज मिल सकता है और हर एक लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो फिर ये इसकी शुरुआत ऐसे हुई। और इसमें जैसे बच्चों ने जो पेंट किया है तो उसके ऊपर उन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए या ऐसा उन्होंने अपने फ्री हैंड से? जब बच्चों के साथ डिस्कशन हुआ कि रामायण के ऊपर और राम भगवान को कितने लोग जानते हैं, तो राम भगवान फिर रावण, और तो बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है कि रामायण क्या है। और बिकॉज 5 years में पहले जमाने में हमारे ग्रैंड मदर थे तो रात को सोने के लिए राम के बहुत सारे प्रसंग बताते रहे, बिल्कुल, और इसके कारण हमको नींद भी आ जाती थी और उसके कारण एक एक रिलीजियस एक फैमिली में एक एक अटैचमेंट भी रहता था, बिल्कुल। अभी स्टोरी पूरा बदल गया है, अभी नए जनरेशन को जो यूरोपियन स्टोरी है वो सभी ज्यादा पता है, उनको राम के बारे में कुछ भी, और राम के ऊपर कुछ ऐसा एनिमेशन फिल्म के ऐसा भी नहीं आया, हनुमान के ऊपर आ गया है। तो किसी को बहुत कम स्टूडेंट्स को पता था कि राम भगवान कौन थे और सभी, फिर हमको बताना पड़ता है कि एक रावण एक ऐसा वो जिसको हम मानते हैं कि अच्छे आदमी और बुरे आदमी का बेस एक सजेशन देते कि जो एक दूसरे को मदद करता है, किसी को एक दूसरे को हेल्प करता है, जो अच्छे आदमी वो सभी राम है, जो जो ये दुनिया में जो सभी को हर्ट करता है डिस्टर्ब करता है उसको रावण बोलते हैं। शुरुआत वहां से हुई और धीरे धीरे फिर बच्चे लोगों को थोड़ा सजेशन जहां जहां पे ऐसा स्टार्ट किया कि हनुमान जी का स्टोरी ये रामायण के बारे में शॉर्ट, क्योंकि ये पूरा सुनने के लिए और बताने में ये पूरा लाइफ 1-2 दिन में बताना डिफिकल्ट था, तो पेरेंट्स थ्रू भी उनको कुछ सजेशंस मिले। फिर आने के बाद जो एक्सप्रेशन किया हर एक ने, तो एक अलग ही इनोसेंट रिप्रेजेंटेशन हुआ, मैं ऐसा मान सकता हूँ कि राम भगवान के बर्थडे का एक केक काट रहे हैं सभी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी और सभी। तो ऐसे सब्जेक्ट बच्चे ही बना सकते हैं, बिल्कुल, बड़े के माइंड में ऐसे सब्जेक्ट्स का आइडिया कभी नहीं भी हो सकता है। और बहुत ही अच्छी तरह से कलरफुल पेंटिंग उन्होंने, ये पूरा प्रोजेक्ट में बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बिल्कुल। वो 3 घंटे के बाद भी ऐसे थे कि और 3 घंटा उनको मिले तो भी करने के लिए तैयार थे। नहीं वाकई, और तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी है इन लोगों और वाकई इन सब चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। और अभी जो उनके अंदर ये जो शुरुआत किया है तो ये जिंदगी भर उनको याद रहेगा कि हमने एक प्रोजेक्ट में आर्टिस्टों के साथ ये पूरा प्रोजेक्ट किया था। और अभी एक बार हो जाने के बाद नेक्स्ट वीक में हम पूरा स्टोरी उनको बताएंगे, जो आर्टिस्टों ने काम किया है उनका काम है, दूसरे ने जो काम किया उसका एक एनालिसिस करके पूरा स्टडी टूर जैसा बच्चों को लेकर आएंगे, हर एक स्टूडेंट्स को समझाएंगे ये क्या बनाए कैसे बनाए। वाकई इससे बहुत सारे जो बच्चे हैं या जो नई जनरेशन है उन लोगों को पता जरूर चलेगा। श्योर श्योर।
और उनको कॉस्ट्यूम के बारे में भी नहीं पता है कि राम जी भगवान कैसे, धोती कैसी आती है, उनकी साड़ी कैसे पहनाने का, ये कैसे। तो ये समझाते समझाते कोई कोई ड्रेस एकदम रिसेंट ड्रेस में राम सीता जी को भी बताया है, बट वो उनका जो जो नॉलेज है उनको हमने डिस्टर्ब किए बिना अभी रहने दिया है। इसके अंदर थोड़ा चेंजेस हम करेंगे, बट फाइनल 22 को पूरा ये पेंटिंग फाइनल लेआउट में आपको अच्छी तरह से दिखने को। और 22 के जो यहाँ पे आयोजन हो रहा है उसके बारे में आप लोगों को। 22 को एक बहुत जैसे अयोध्या में जो सेलिब्रेशन हो रहा है ऐसा ही सेलिब्रेशन हम मनाना चाहते हैं। पूरा दिया से पेंटिंग को रिप्रेजेंट हो ऐसा आइडिया है। और पारुल शाह जो पूरे इंडिया के भरतनाट्यम में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उनका एक प्रेजेंटेशन है डांस का। और उन्होंने जो पुराना रामायण जो रामानंद सागर ने जो बनाया था उसके अंदर कोरियोग्राफी से लेके पूरा उन्होंने किया था। तो जब राम वनवास फिनिश करके जब अयोध्या आते हैं और उनका स्वागत जो हो रहा है उनके पे पूरा एक डांस का परफॉर्मेंस है उनका। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद इतेश जी। थैंक यू वेरी वेरी मच अरविंद जी, आपका एफर्ट और आपने जो काम किया है वो काम तो अच्छा किया है, बट मेरे लिए जो डॉक्यूमेंट्री आपने जो तैयार किया है वो सबसे बड़ी बात है। पर और थैंक यू वेरी मच। एक चीज ये होता है कि हम मेमोरीज कलेक्ट करते हैं, मैं आज ही सोच रहा था इन मेमोरीज को हम आने वाले 20 बाद देखेंगे ना तो बहुत अलग, एक अलग तरह का अनुभव होगा। नहीं सच्ची बात है, ये एक्चुअली होनी चाहिए। हमारे ये गैलरी में बड़े बड़े बहुत आर्टिस्ट के काम हो गए, मिस भूपेन कक्कर के जी सर, जयराम पटेल, और हर एक स्टेज पे हमने स्टोर किया है उनका लेक्चर्स, उनके प्रेजेंटेशन, उनके एग्जीबिशन, उनके थॉट प्रोसेस। तो वो अभी कभी कभी वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जब क्रिस्टीज और बड़े बड़े ऑक्शन हाउस और बड़े बड़े लोग मांगते हैं तब हमको पता चलता है कि ये कितना वैल्यू है इसका। तो चलिए दोस्तों, आप लोग 22 जनवरी शाम को आप सभी का इंतजार रहेगा, आप लोग जरूर आएं और इस प्रदर्शनी का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को प्रणाम। और आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित है गणेश गोविंदा दा, आपका स्वागत है। और हम जो इस कार्यशाला में 3 से काम कर रहे हैं उसका अनुभव कैसा रहा हम वो आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार। इसका माहौल बहुत अच्छा है। अगर माहौल के बारे में बोलेंगे तो मैं बोला कि मैं वो काम देख के मैं रुक जाता है, मतलब जो बच्चों का काम है जो रियली अनबिलीवेबल। और दूसरा बात जो इनिशिएटिव लिया, मतलब नीतीश राणा द डायरेक्टर ऑफ सरदार, बहुत अच्छा इनिशिएटिव हुआ, इससे काफ़ी सारा चेंजेस आएगा अपना खुद का भी। और सेकेंडली ये जो राम को लेके वो बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। जो राम है अभी बहुत पर्सनल है, इन द सेंस पर्सनल इसलिए है मैं रामायण बहुत पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है जब छोटा था, छोटा से मैंने मान लो 7-8 ईयर्स जब था तब से शायद मैं एक ही बुक है जिसको मैं कंटिन्यू पढ़ रहा था, मतलब कंटिन्यू मतलब रात दिन पढ़ के ख़त्म किया था। तो उसका बाद मैंने जब मैं सोचता हूँ मैं अपना लाइफ के साथ इम्प्लीकेशन मतलब ये करता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरा 2 भाई था वो भी सर, तो ये इसके लिए मैं सोचता हूँ राम मेरे लिए कौन है, तो मेरा जो भाई है वो है, मतलब मैं मेरा क्या दायित्व। एक्चुअली राम एक्चुअली आपको सिखाते हैं हाउ टू लिव, हाउ टू रेस्पेक्ट पीपल, ये सब बातें राम रामायण मतलब राम कथा में हमको सीखने को मिलता है। अभी जब हमने रामायण का जो जो राम का बारे में सोचते हैं तो ये बात ज़्यादा जरूरी है। तो मेरे लिए क्या है, मेरा जो भाई है सबसे इम्पोर्टेंट था। तो मेरा एक भाई नहीं है, एक भाई है, एक भाई ही इज़ इनसाइड एंड एक भाई आउटसाइड। तो ये मेरे लिए बहुत इमोशनल हो जाता होगा कभी कभी ये बात सोचने से। तो जब मुझे नीतीश राणा डायरेक्टर ऑफ सर्जन ने मुझे इन्विटेशन दिया था तो मैंने क्वेश्चन किया था ये राम का ऊपर है प्लस ये राम का ऊपर है प्लस ये हमारा मंदिर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान का बात है उसका हम ये करना है उसका ये उत्सव मनाने हैं हमको एज एन आर्टिस्ट हम लोग कैसे मनाएंगे। तो बहुत बड़ा बात है तो क्वेश्चन वही था मेरे लिए। तो मैं अभी कर रहा हूँ ये काम और ये मज़ा ले रहा हूँ सबका साथ, हमारा जो आर्टिस्ट कलीग्स है एंड देन जो जो साइड आर्टिस्ट है प्लस हमारा जो जितना भी है सबका एक अच्छा आनंद ले रहे हैं। और ये जो एक्चुअली काइंड ऑफ रिचुअल है हम लोग पूजा कर रहे हैं, सब लोग पूजा कर रहे हैं
राम को लेके, राम को लेके, राम का जो जो चरित्र है, मतलब कथा है, मतलब उसको लेके हम फिर से उसको एक क्या बोलते हैं, उत्सव मना रहे हैं उनको, उत्सव मतलब नहीं, ये एक टाइप का हमारा क्या बोलते हैं उत्सव, उत्सव भी अलग हो जाता है, फेस्टिवल फेस्टिवल नहीं है ये, बहुत बोलना मुश्किल है, एक्सप्रेस करना मुश्किल है, ये सिर्फ सीरियस मैटर है, साथ में अनुभव कर सकते हैं, ये सीरियस मैटर है, ये सिर्फ दिवाली नहीं है, ये दिवाली से भी बहुत बढ़कर है, क्योंकि 500 ईयर्स, मैंने अभी पॉलिटिकल इसको ले नहीं जाऊंगा, हर एक लोग असल भारत का जितना भी लोग है भारतीय, इसको अलग ढंग से देखना चाहिए, इसको कोई धार्मिक इसमें नहीं है, धर्म एक्चुअली, और दूसरा बात है हमारा धर्म क्या है वो जानना जरूरी है, इसमें डिसिप्लिन, इसमें बहुत सारा चीज़ें, इसमें कुछ बातें बोला है लाइफ का ऊपर, हर चीज़ें हम सब जानते हैं, हम पढ़ाया भी है, तो अगर वो उस डिसिप्लिन में जाएंगे हम अच्छा से जिएंगे लाइफ, एक राम राम राज्य बोलते हैं ना, राम राज्य, तो वो राम राज्य बनेगा, तो ऐसा नहीं होगा, आप मान लो सबसे पहले क्या हुआ था, मंथरा एक दृष्टांत एग्जांपल है, मंथरा से लेकर शुरू हुआ रामायण, मंथरा आया, फिर आया सुपर्णखा, सुपर्णखा ने वो एक दूसरा स्थान, मरीस आया, मरीस ने उसको ये किया, फिर रावण ने उसको लेके गया, तो जो कहानी है, कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं हमको, फिर हम भूल जाते हैं एक्चुअली, इतना इल्यूजन है हमारा लाइफ में कि हम सब रामायण पढ़ के भी भूल जाते हैं, महाभारत पढ़ के भी भूल जाते हैं, क्या नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए, फिर हम अपना तरीके से उनको फिर रामायण बनाते हैं, अपना रामायण, अपना महाभारत बनाते हैं, तो मैं जो बना रहा हूँ हमारा खुद का रामायण बना रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, इसमें मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ जो जो उत्सव है उसको वेलकमिंग करना, हर एक को एक्चुअली वेलकमिंग करना, इसलिए ये है, और प्लस ये काइंड ऑफ शांति तो 22 जनवरी को शाम को 6 बजे हम हितेश जी की गैलरी जो सृजन आर्ट गैलरी है वहां आप सभी का स्वागत है, शाम को 6 बजे इस प्रदर्शनी का शुभारंभ होना है, तो आप सभी जरूर आए और इस हर्षोल्लास का जो एक उत्सव हम लोग मना रहे हैं उसमें आप भी भागीदार बने। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्ते, हमारे साथ कुसुम जी हैं। मैम, हम जानना चाहेंगे कि ये जो 3 दिन का अनुभव था यहाँ, ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो ये कार्यशाला थी, उसका अनुभव आपका कैसा रहा और आपने अपने चित्र में किस संदर्भ को लेकर काम किया है? इसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो भव्य आयोजन आगमन हो रहा है रामलला का अयोध्या में, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, हिंदू धर्म को प्रसार करने के लिए बच्चा बच्चा इससे जागृत होगा। बिल्कुल। और इस भव्य टाइम में जो हमारे राणा फैमिली ने जो इतना बड़ा आयोजन किया है, वो हम उनके लिए बहुत आभारी हैं कि वो इतना सब मेहनत करके और इतने आर्टिस्ट को बुला के ये प्रसार कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आगे भी इसका प्रसार होता रहे और बच्चा बच्चा जान जाएगा कि राम भी कुछ चीज़ है, उससे कुछ सीख सकें तो अच्छा है। मैं चाहती हूँ सब आर्टिस्ट लोग तहे दिल से, पवित्र दिल से ये सब पेंटिंग बना रहे हैं, तो उसका अयोध्या में भी अगर प्रदर्शन हो सके तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और मैं चाहूँगी कि ये जो राणा फैमिली है वो आगे भी बढ़ती रहे और ऐसे सब भव्य आयोजन करते रहें, वो सबके लिए अच्छा है, ये नहीं कि सिर्फ। और मैं ये ऐसा है, मैं तो बेसिक करती हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है आर्ट में, थोड़ा बहुत जो सीखा है मैंने यहीं से सीखा है, उसमें मैंने वो अच्छा सृजक से, हाँ सृजक से ही, आई एम कमिंग 6 ईयर्स से यहाँ आती हूँ, आफ्टर माई रिटायरमेंट आई एम मेडिकल पर्सन रिटायर, तो इसमें मैंने इंसिडेंट्स बताया कि जो श्रवण कुमार थे, यंग बॉय था, उसके माँ बाप अंधे थे, ब्लाइंड थे, और वो उनको लेके जंगल से गुजर रहा था, उसी समय राजा दशरथ शिकार पे निकले हुए थे और गलती से उन्होंने बिना देखे, वो उसके पेरेंट्स ने कहा
माता पिता ने के प्यास लगी है तो वो बीच में रुके थे पानी लेने, तो वो पानी लेने नदी पे गया था और राजा दशरथ ने गलती से उसको तीर लग गया और उसकी वहीं पर डेथ हो गई थी। तो उसने आखिरी टाइम में बोला था कि आप मेरा बहुत माफ़ी मांगी राजा दशरथ ने, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, मेरे माँ बाप बहुत प्यासे हैं, उनको आप जाके पानी पिला दीजिए। तो वो जब पानी पिलाने आते हैं उनको, तो उनकी माता जी की तो उसी समय मृत्यु हो जाती है शौक से, पर वो पिताजी जो हैं वो बहुत दुखी होते हैं और वो श्राप देते हैं राजा दशरथ को कि जिस तरह से मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ उसी तरह आपको भी पुत्र वियोग का बहुत दुख प्राप्त होगा। और उसी की वजह से राजा दशरथ ने काफ़ी दुख भोगा, राम का वियोग हुआ, राम का वनवास हुआ, ये सब एक उसी का कारण बन गया था। तो उसी को आपने इसमें इसको मैंने पर ये इतना खूबसूरत तरीके से एलोबरेट करना, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं ना यहाँ पेंट बच्चे कैसे करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से वो करते हैं, लेकिन मैंने कल जब बात किया एक बच्चे से तो उन्होंने बोला कि मम्मी ने ये बताया। मैं बोला उसके बाद जो स्टोरी है ना मम्मी से वो भी आप पूछना, वो आपको बताएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये सब समझाने के लिए, और मुझे भी सरप्राइज होता है कि आजकल के बच्चे रामायण देखने से चूकते नहीं हैं, एक एक चीज को वो देखते हैं, और जो कि रामायण उनके लिए महाभारत रामायण अच्छे हैं, और रावण का जो रोल है वो बहुत अच्छा अदा कर रहा है, जो भी कर रहे हैं बहुत ही इम्प्रेसिव है, और बच्चों ने ज्यादातर रामायण हनुमान और रामायण दो चीजें उनको बनाने में बहुत, ये आगे जाके बच्चों की जो नॉलेज बढ़ेगी इसके लिए और उसमें उनको सीख भी मिलेगी अच्छी कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं, अच्छे बुरे, ये संस्कृति बहुत अच्छी है, जो भी काम हो रहा है वो इसी तरह आगे बढ़ता रहे तो अपने हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हिंदू लोगों की बहुत कम संख्या है जो खुल के बात करते हैं, जो हाँ खुल के बात करते हैं, और जो क्योंकि और दूसरी चीज़ें इतनी और लोग इतने बढ़ते जा रहे, कोई बात नहीं है, अपना सिक्योरिज्म है वो ठीक है, पर हिंदू धर्म को तो मेन जो है हम इस इंडिया में है, भारत में ही है, और तो कहीं तो मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो मैं उससे बहुत ही प्रभावित हूँ, और ऐसा अगर करते रहेंगे तो हम लोग ज़रूर अच्छे मार्ग पे बच्चे भी आगे बढ़ पाएंगे और क्राइम भी कम होगा। वाकई सनातन धर्म ही ये ऐसा है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करना वो बताती है, इतना लिबरल कोई भी धर्म नहीं, कोई भी धर्म नहीं कि कोई भी टाइम बैठ के हम पूजा कर सकते हैं। आपको मैं बताती हूँ, मैं पूजा करने में बैठती नहीं हूँ ज्यादा 5 मिनट, बट मैं जब वॉक के लिए जाती हूँ तो मैं अपनी सारी प्रेयर पूरी कर देती हूँ, एंड आई लाइक टू गो वॉक अलोन नॉट विद चैटिंग विद पीपल, सो मेरे को इतनी शांति मिलती है सुबह में वॉक के बाद कि पूरा दिन अच्छा कोशिश तो करते हैं। हाँ। बाकी फिर आजू बाजू का एटमॉस्फेयर तो अपने कंट्रोल नहीं कर सकते ना, जो होता है वो रहेगा, फिर भी उनको भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जी हाँ, तो दोस्तों 22 जनवरी को इस प्रदर्शनी का शुभारंभ होने जा रहा है, शाम को 6 बजे आप लोग जरूर आइए, जो भी बड़ौदा के मित्र हैं वो लोग जरूर आ सकते हैं और इस प्रदर्शनी का आनंद ले सकते हैं। तो फिर मुलाकात होती है, नमस्कार, जय श्री राम। जैसे कि आप सभी जानते हैं 500 सालों के बाद 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो इस उपलक्ष्य में सभी भारतवासियों को हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और इसी उपलक्ष्य में सृजन आर्ट गैलरी द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला व एक प्रदर्शनी का आयोजन 22 जनवरी शाम 6 बजे जिसकी ओपनिंग है, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और मैं मेरे जो चित्र वहाँ मैंने डिस्प्ले के लिए रखे हैं उसका एक शीर्षक है 500 वर्ष बाद लौटे हैं राम। तो ये हम सभी जानते हैं कि राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था और 14 साल बाद वो अयोध्या लौटे, तब हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, और अब एक जो हम सभी जानते हैं कि जिस वजह से वो ठहरे हुए थे रामलला जन्मभूमि का जो सब ये सिलसिला, वो सभी लोगों को आप सभी को पता है,
तो वाकई एक 500 वर्ष पश्चात राम जी घर लौट रहे हैं, और जिसमें लगभग 4 लाख से ज्यादा कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है इस घड़ी को, इस क्षण को देखने के लिए। तो हम चाहेंगे कि इस उत्सव को आप सभी ऐसे मनाएं जैसे जिससे आने वाली पीढ़ियां इस फेस्टिवल को, इस प्राण प्रतिष्ठा को सदियों तक याद रखें। तो मेरे चित्र के विषय में मैं कहना चाहूँगा, हनुमान जी जो हैं वो मंदिर को लेकर आ रहे हैं और सामने अखंड भारत है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो उसका एक कारण भी है कि हनुमान जी को ऐसा कहा जाता है कि वो हमेशा हर जगह मौजूद होते हैं, तो इसी वजह से कोई भी कार्य हो रहा है या हो गया है या होने वाला है उसके पीछे हनुमान जी का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी वजह से मैंने ये किया है कि हनुमान जी स्वयं मंदिर को लेकर आ रहे हैं और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है। तो बस एक सिंपल सा एक ये है जो हर कोई देखकर समझ सकता है, क्योंकि हनुमान दादा पर्वत लेकर आए थे और यहाँ हनुमान दादा मंदिर लेकर आ रहे हैं। और इस लाइन्स के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि वायु देव के पुत्र हैं हनुमान जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, और वायु के बगैर ये पृथ्वी, ये संसार कुछ काम का नहीं है। तो इसी वजह से मैंने लाइन्स के माध्यम से वायु को दर्शाने की कोशिश की है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं 22 जनवरी शाम 6 बजे सृजन आर्ट गैलरी में आप ज़रूर आएं और इस प्रदर्शनी का आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।